तो यार आज हम आपको लेके चलने वाले हैं रीवा इको पार्क। और अगर आपको घूमना पसंद है और आप रीवा के पास रहते हैं तो आपको रीवा इको पार्क जरूर जाना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो हम चाकघाट से रीवा के लिए निकलते हैं। चाकघाट से रीवा लगभग 80 किलोमीटर दूर है। रास्ते में सोहागी पहाड़ को पार करके हम पहुंचेंगे रीवा। वैसे तो सोहागी के पास कई जगह है जहां हम घूम सकते हैं, लेकिन उनके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो यार रीवा पहुंचने के बाद यहां पुराना बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे हमें मिलता है इको पार्क का गेट। हम टिकट लेते हैं और चलते हैं। इको पार्क दोपहर 1 बजे ओपन हो जाता है और यहां की टिकट की कीमत 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। आपको 50 रुपये का कूपन मिलेगा जिसे आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप स्काई साइकिलिंग कर सकते हैं और जंपिंग जैसे गेम्स का आनंद ले सकते हैं। यहां शाम को नदी के किनारे का नजारा देखने लायक होता है। आप कैफे में अपने कूपन का उपयोग कर सकते हैं और शाम को चौपाटी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बता दें कि इस पार्क को बीहर नदी के टापू पर विकसित किया गया है, जिसे 5.DC हेक्टेयर भूमि पर तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने रीवा शहर के इको पार्क के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया, जिसे 8 साल पहले यानी 2014 में स्वीकृति मिली थी। जिसके बाद इसे बनाने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने और रीवा में एक सीट ना मिलने के कारण पार्टी ने प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया। हालांकि फिर राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद साल 2021 से काम को वापस शुरू किया गया और आज आखिरकार इसे बनाकर तैयार किया जा चुका है। इस पार्क के माध्यम से लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। प्राकृतिक जीवन के संरक्षण को और बढ़ावा मिलेगा, जैसे पक्षियों, पशुओं और पौधों के लिए स्वच्छ वातावरण समेत सुरक्षित आवास। पर्यटक इस पार्क में एडवेंचर गतिविधियों का मजा ले सकते हैं, जैसे कि जंगल सफारी, ट्रैकिंग आदि। इससे रीवा शहर को पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा।